यूनाइटेड नेशन में पास हुआ ऐतिहासिक प्रस्ताव, भारत के आगे अमेरिका और ब्रिटेन के वीटो हुए फेल। भारत और अफ्रीका ने मिलकर अमीर देशों के हाथ से छीनी बड़ी पावर, अमेरिका भी बेचैन। चीन पाकिस्तान पहुंचे रूस, भारत पर दबाव बनाने की कर रहे हैं अपील। दोस्तों, भारत और अफ्रीका दोनों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल, अमेरिका ब्रिटेन जैसे देशों की बैंड बजाना शुरू कर दी है। जिस प्रस्ताव का डर इन देशों को था, उसी प्रस्ताव पर भारत ने अपनी सहमति जाहिर करके वोटिंग में जीत दर्ज कर ली। भारत के साथ 125 देशों ने इस प्रस्ताव पर अपना समर्थन दे दिया है। वहीं यूनाइटेड नेशन में शामिल अमीर देशों को इसी बात का डर था कि भारत कभी ना कभी इस प्रस्ताव को जरूर पेश कराएगा। दरअसल पूरा मामला यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली से जुड़ा हुआ है और इसी असेंबली में अफ्रीकन यूनियन के द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया। यह प्रस्ताव मुख्य रूप से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों के खिलाफ था। 193 देशों में से 125 कंट्रीज ने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति जाहिर कर दी। इन देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में अपनी वोटिंग करी, जिसके बाद इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया गया। इस प्रस्ताव के पक्ष में ब्रिक्स के देशों ने भी अपना वोट किया है। अभी तक यूनाइटेड नेशन के अंदर पावरफुल कंट्रीज की मनमानी चलती आई है, पर अब और आगे नहीं चलने वाली है। दोस्तों, आपने भारत के अंदर देखा होगा कई मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो भारत के अंदर अपने प्रोडक्ट को बेचती है, लेकिन ये मल्टीनेशनल कंपनियां अपने हेडक्वार्टर को किसी छोटे और रिच कंट्री में शिफ्ट कर देती है। इसके पीछे इन मल्टीनेशनल कंपनियां भारत और साथ ही अफ्रीका के देशों को धोखा दे रही थी और लूट रही थी। अब अपने हेडक्वार्टर को दूसरे देशों में शिफ्ट करने से भारत को जो रेवेन्यू टैक्स के रूप में मिलना चाहिए था, वह रेवेन्यू रिच कंट्रीज को चला जाता है और भारत को बस लूटने का काम किया जा रहा था। अब इसी के चलते अफ्रीकन यूनियन ने तय किया था कि वह यूनाइटेड नेशन में इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और प्रस्ताव पारित करेंगे, लेकिन यूनाइटेड नेशन तो वीटो के दम पर आगे बढ़ता है और यह प्रस्ताव ही ब्रिटेन और अमेरिका के खिलाफ था, तो कैसे यह प्रस्ताव पास हो सकता है। दरअसल अफ्रीका के द्वारा जो प्रस्ताव पेश किया गया था, उस प्रस्ताव में कहा गया कि अगर कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी हमारे देश में व्यापार कर रही है तो टैक्स भी हमें ही मिलना चाहिए, ना कि दूसरे देशों को। जब इस प्रस्ताव को यूनाइटेड नेशन में पेश किया गया तो वेस्टर्न कंट्रीज, जिसमें यूके, यूएसए और पूरा यूरोपीय यूनियन ब्लॉक शामिल है, उसने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। यानी कि यह देश नहीं चाहते थे कि भारत और अफ्रीका के देश को टैक्स मिले। वहीं दोस्तों, आपको बता दें इस प्रस्ताव पर 125 देशों ने भारत और अफ्रीका के फेवर में वोट किया, जबकि 48 देशों ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। वहीं 9 ऐसे देश थे जिन्होंने वोटिंग से अपने आप को बाहर कर लिया। लेकिन दोस्तों, यहां पर यह जानना भी जरूरी है कि जो प्रस्ताव है वह इतना भारत और अफ्रीका के देशों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। तो दोस्तों, जो 38 देशों का संगठन OECD है, वही इंटरनेशनल टैक्स पॉलिसी को चलाने का काम करते थे और भारी भरकम कमाई करते थे, और यही चुनिंदा देश मल्टीनेशनल कंपनियों के ऊपर कानून बनाते और ये निर्धारित करते थे कि उनसे कितने टैक्स की वसूली की जाएगी। वहीं देखा जाए तो इन्हीं देशों की मल्टीनेशनल कंपनियां भी थी, लेकिन भारत ने कहा कि इन देशों के पास ऐसी कौन सी ताकत है जिसके दम पर ये सभी मिलकर पॉलिसी बना रहे हैं। दरअसल अगर भारत के अंदर कोई मल्टीनेशनल कंपनी व्यापार करने के लिए आती है तो उस पर कितना टैक्स लगाना है यह भारत खुद निर्धारित करता है, लेकिन इन कंपनियों ने दूसरे रास्तों को खोज लिया और अपने कंपनियों के हेडक्वार्टर को छोटे छोटे देशों जैसे कि सिंगापुर, स्विट्जरलैंड जैसे विकसित देशों में शिफ्ट कर दिया, जहां पर टैक्स बहुत कम लिया जाता है। ऐसे में इन कंपनियों का जो टैक्स है वह उन छोटे छोटे अमीर देशों को चला जाता है। अब इन टैक्स को वसूलने के लिए जो प्रस्ताव लाया गया उसके मुताबिक 20 देशों की एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें भारत तो शामिल होगा ही, साथ ही एशिया के साथ से 8 देश और भी शामिल हो सकते हैं। ऐसे ही अफ्रीकन यूनियन के साथ भी होगा। वहीं दूसरी तरफ भारत के वीटो पावर से चीन और पाकिस्तान दोनों ही हताश होकर रूस के पास पहुंच गए और रूस से अब भारत पर दबाव लगाने की गुजारिश करने लगे हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि भारत को वीटो पावर कहां से मिल गया, तो आपको बता देंगे मामला ब्रिक्स से जुड़ा है। भारत ब्रिक्स का स्थायी देश है और भारत को वहां की शक्ति प्राप्त है। भारत जब तक किसी भी नए देश को ब्रिक्स में शामिल करने के लिए सहमत नहीं होगा, तब तक कोई
भी देश ब्रिक्स का हिस्सा नहीं बन सकता। इसके अलावा एक और संगठन है MTCR, जिसमें आज तक चीन शामिल नहीं हो पाया है, जिसकी वजह है भारत। चीन बार बार भारत से सहमति मांगता है, लेकिन भारत चीन के प्रस्ताव पर MTCR के अंदर अपनी सहमति नहीं देता, जिसके चलते चीन शामिल नहीं हो सका है। अब चीन की चालबाजी का नया मामला ब्रिक्स के अंदर से ही आया है। 2024 में ब्रिक्स की कमान रूस के हाथों में होगी और यूक्रेन से युद्ध शुरू होने के बाद रूस को चीन का जूनियर पार्टनर समझा जाता है। अब इसी का फायदा उठाने के लिए चीन बैकडोर से पाकिस्तान को ब्रिक्स की सदस्यता दिलाने की तैयारी कर चुका है, जिसके लिए रूस भारत के दुश्मन पाकिस्तान की मदद करेगा। इस पर बहस तेज हो गई है। चीन चाहता है कि ब्रिक्स G7 के खिलाफ मजबूत संगठन बने, इसलिए वे अपने समर्थकों को ब्रिक्स में शामिल करना चाहता है, लेकिन भारत ने पाकिस्तान को शामिल किए जाने को कड़ा विरोध किया। वैसे तो रूस दशकों से भारत का करीबी दोस्त रहा है, लेकिन इस वक्त रूस की निर्भरता चीन पर बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के हौसले बुलंद है। अब नतीजन पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भारत से मदद मांगने की बजाय भारत को धमकी दी है। रूस की समाचार एजेंसी तास की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के राजदूत ने ब्रिक्स को सदस्यता की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान चाहता है कि वह ब्रिक्स का सदस्य बने और इस पर रूस उसकी मदद करे। इसके अलावा पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने भारत के वीटो करने के सवाल पर कहा कि अगर भारत ऐसा करता है तो ब्रिक्स के अंदर खुद उसके दर्जे पर खतरा पैदा हो जाएगा। दरअसल भारत के पास ब्रिक्स में वीटो की शक्ति मौजूद इसलिए है, भारत की सहमति के बिना पाकिस्तान ब्रिक्स में शामिल नहीं हो सकता। ब्रिक्स में किसी भी नए देश को जोड़ने के लिए सबसे जरूरी होता है कि इसके सभी स्थायी देश आम सहमति प्रकट करें। उधर पाकिस्तान की ब्रिक्स की सदस्यता इस बात पर निर्भर करेगी कि भारत उसकी दावेदारी को समर्थन देता है या नहीं। इसलिए अब पाकिस्तान चीन और रूस दोनों से भारत पर दबाव डालना चाहता है, हालांकि भारत उसको समर्थन देने पर मजबूर हो सके। तो दोस्तों यह तो थी पहली खबर, अब आइए दूसरी खबर को बताते हैं। दोस्तों अजरबैजान, पाकिस्तान और तुर्की की खतरनाक तिकड़ी का सामना कर रहे आर्मेनिया की मदद के लिए अब भारत ने हथियारों का जखीरा खोल दिया है। खबरों के मुताबिक पिनाका रॉकेट सिस्टम के बाद भारत आर्मेनिया को MARG 155 mm स्वचालित तोप की सप्लाई करने जा रहा है। इस तोप को भारत की रक्षा कंपनी भारत फोर्स कल्याणी ग्रुप ने पुष्टि की है कि इसे आर्मेनिया से बड़ा ऑर्डर मिला है। इसके अलावा ATAGS 155 mm तोप की भी आपूर्ति आर्मेनिया को ही की जाएगी। भारत और आर्मेनिया में यह तोप समझौता दोनों देशों के बीच रक्षा समझौते में बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे पहले आर्मेनिया ने भारत के साथ 24 करोड़ 50 लाख डॉलर में पिनाका रॉकेट सिस्टम, एंटी टैंक रॉकेट और कई अन्य तरह के गोला बारूद का समझौता किया था। साल 2020 में भी आर्मेनिया ने भारत के साथ स्वाति मोबाइल रडार खरीदने का समझौता किया था। यह समझौता 4 करोड़ डॉलर में हुआ था। भारत बहुत तेजी से हथियारों का निर्यात करने वाला देश बन रहा है, जो उसकी बढ़ती सैन्य ताकत और तकनीक को दर्शाता है। यही नहीं, भारत अब आर्मेनिया की सेना के साथ संयुक्त ट्रेनिंग और अभ्यास भी कर रहा है। MARG 155 mm तोप को इस हथियार तकनीक में एक अहम कदम माना जाता है। इसे किसी भी इलाके में आसानी से ले जाया जा सकता है। यह तोप आधुनिक युद्धक माहौल में काफी कारगर मानी जा रही है। क्या कहना है आपका इस पर, जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।